चलिए आज बिहार की सबसे बड़ा नगर दिखाते हैं, पटना। तो गाइज बहुत अच्छा से हम दिखाने का कोशिश करेंगे और अच्छी तरीका से दिखाने का कोशिश करेंगे, देखिए। और ये जो हैं और बिहार म्यूजियम, ये बाहर का दृश्य है और बाहर का ये दृश्य है। उसके बाद बाहर से अंदर की ओर जाइएगा तो ये निकलेगा। उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद ऊपर नीचा सीढ़ी रहता है, आप जा सकते हैं। तो उसके बाद अंडरग्राउंड में इस तरह का सीन दिखाई देगा। तो गाइज आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं, इस तरह सीन है आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कितना अच्छा लगता है HD क्वालिटी का यहाँ पर सीन। तो गाइज यहाँ पर देखिए किस तरह का है। और ये जो है देख रहे हैं जो है यहाँ पर ये स्क्रीन बोर्ड चला रहे हैं, स्क्रीन बोर्ड। यहाँ पर मैप, बहुत सारे ऐसे मैप हैं और जान सकते हैं और समझ सकते हैं, तो वही चला रहे हैं। तो वैसे तो हमको पटना में काम था, तो आप सभी जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हम वैसे गए थे बिहार पुलिस का दौर करने, तो पटना में ही गर्दानीबाद हुआ था वहाँ पर, लेकिन दौर नहीं निकला, असफल रहे। फिर भी मेरा चांस रहा, खुश रहे और मस्त रहे, और फिर भी सोचे कि नहीं, घूमना चाहिए आदमी को। ऐसे मतलब सुख दुख आता है, असफलता, लेकिन असफलता है तो एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। तो फिर सोचे कि नहीं, मतलब कि घूमना चाहिए, बिहार म्यूजियम बहुत अच्छा है, इसके बारे में पढ़े थे। तो हम सोचे बिहार म्यूजियम घूम लेते हैं। देखिए किस तरह हम स्मार्ट बोर्ड चला रहे हैं और देखिए किस तरह, लेकिन चलाने के लिए नहीं आता है सही तरीका से, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो आगे तक देखिए आपको बहुत मज़ा आने वाले, बहुत ऐसा सीन है आपको दिखाएंगे और आप सोच भी नहीं सकते हैं और सोचे भी नहीं होंगे इस तरह का सीन रहता है और पटना में है, बिहार में है। और आपको पूरा अच्छी तरीका से दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर मास्क लगाकर, उसके बाद ये जो है ना तोप है, तो कारगिल का युद्ध हुआ था तो उसके बाद वहाँ का ही तोप फाइटिंग करने में ये टूटा फूटा है। तो उसके बाद ये इस तोप को हम देख करके दिल तक छुआ था, भाई हम क्या कहेंगे, इससे कितना शहीद हुआ हमारे जवान, देश के जवान, तो मत पूछो यार। इसको हम स्पर्श कर रहे थे, लग रहा था हम सीने से लगा लें, तो देखिए किस तरह हम स्पर्श कर रहे हैं। तो ये बिहार म्यूजियम जाइए और इसको देखिए। तो गाइस देखिए इसको प्रणाम करते हुए मन में सोच रहे थे बहुत कुछ, लेकिन देखिए फिर उसके बाद आगे फ्रेंड सब फोटो यहाँ पर खिंचवाते हुए। उसके बाद अमृतसर, ये कहाँ कहाँ है, ये बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं अमृतसर, यहाँ पर MK माधव हैं। उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद फिर से हम सीन दिखाने का कोशिश करेंगे यहाँ का तोप का। तो बहुत मतलब इसको देखते थे तो बहुत मन खुश हो जाता था, शेरशाह सूरी का था वो पिक। उसके बाद ये शीशा में जो पेक हैं, बहुत सारे ऐसे बिकर बर्तन रखा हुआ है, धरा पड़ा हुआ है पूर्वजों की। और इधर उसके बाद स्मार्ट बोर्ड वो छू जुड़े हैं हम, स्पर्श जो कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसा सब गेट था, देख के हम बहुत आनंद हो जाते थे। ये बिहार म्यूजियम का ये दृश्य, ये जितना भी दिखा रहे हैं बिहार म्यूजियम का, तो नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे तो चिड़ियाघर का, तो वहाँ का भी दिखाने का कोशिश करेंगे। तो गाइस ये जो देख रहे हैं, तो कहा जाता था कि मतलब कि पहले शाहजहाँ दरवाजे के पहले लगा रहता था, जब घोड़ा देखता था तो उसके बाद दरवाज़ा खोलती थी, तो यही सब मतलब कि कहा जाता है। उसके बाद ये तराजू पे तौल नाप होता था, तो इस तरह का ये सीन है। तो देख रहे होंगे आप सबको बहुत अच्छा लगता होगा, आओ तौल कर देखो। और यहाँ पर आप तौल भी सकते हैं, खुद को नाप सकते हैं। तो ये नज़ारा है, बहुत सारा मतलब कि स्मार्ट बोर्ड लगा रहता है यहाँ पर, आप जान सकते हो, जानकारी ले सकते हैं और अच्छी तरीका से जानकारी ले सकते हैं। जिसको चलाने के लिए, बहुत सारे को तो चलाने के लिए नहीं आता है, हमको खुद नहीं आता था तो, लेकिन प्रयास करते थे, लेकिन प्रयास क्या, लेकिन प्रयास असफल रहा, फिर भी नहीं चला पाए शुरू से लेकर लास्ट तक में। तो गाइस हमको लग रहा था लॉक लगा हुआ है। देखिए ये जो है बहुत अच्छा सीन है, और देख रहे होंगे यहाँ पर इतना ज़बरदस्त सीन देखने के लिए मिल रहा है, तो आप सब देखिए शुरू से लेकर के लास्ट तक, तो गाइस बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस ये जो आईना दर्पण जो है, ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत सारे अनेक प्रकार का यहाँ पर दर्पण मिरर। देखिए यहाँ पर शाहजहाँ बैठते थे कहा जाता था, अब तो शाहजहाँ बहुत सारे बन गए, यहाँ पर बैठते हैं शाहजहाँ, देख रहे हैं।
तो बहुत मज़ा आता होगा देख करके। और बहुत सारे ऐसे बहुत मतलब कि आदमी आते हैं यहाँ पर मिलने देश विदेश से बिहार म्यूज़ियम घूमने। तो आप भी जाइए और आप भी घूमिए, आप भी जानकारी लीजिए, आप भी स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन बोर्ड चलाइए, आप भी बहुत सारे का जानकारी ले सकते हैं। मतलब कि बहुत पूर्वज हम हजारों साल पहले की मतलब कि आप सामान देख सकते हैं, मतलब कि बहुत सारे मूर्तियाँ देख सकते हैं, प्रतिमा देख सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं विद्यार्थी के लिए बेटर है, यहाँ पटना में कहीं मत घूमिए लेकिन यहाँ पर घूमिए, बिहार म्यूजियम जाइए, विद्यार्थी के लिए बहुत बेटर घूमने की जगह है और लगेगा नहीं स्वर्ग में हम घूम रहे हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर किस तरह क्या नज़ारा है, और देखने का कोशिश कीजिए भाई तो और मज़ा आएगा। तो देखिए किस तरह हैं क्या हैं, और देखिए यहाँ पर ये जो है हम चला रहे हैं यहाँ पर, ये ग्राउंड में जो है सब ग्राउंड में अलग अलग गार्डिंग रहता है और वहाँ पर छेड़खानी नहीं कर सकते हैं और उससे पूछ पूछ भी सकते हैं, उसके बारे में बताएगा एक एक चीज़। तो गाइस यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ चला रहे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा कहानी मतलब कि इसमें साउंड उन्ड लगा हुआ है, बहुत गूंज रहा था। तो बहुत इस ग्राउंड में बहुत ऐसा सारे चीज़ हैं देखने के लिए। यहाँ पर सुशांत कुमार भी आए, सुशांत कुमार राजपूत, उसके बारे में जानते हैं, बॉलीवुड का है हीरो। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा, उसके बाद ऊपर में माइक्रोस्कोप है उससे भी देख सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे चिड़िया दिखाई देता है उससे भी देख सकते हैं। और उससे सुशांत कुमार राजपूत भी देखे थे, शायद अब तो दुनिया में नहीं रहा, शायद नहीं दुनिया में ही नहीं रहा। तो देखिएगा आज यहाँ पर बहुत सारे मतलब PM आए हैं, मतलब कि चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आए हैं यहाँ पर। देखिए ये जो है ये स्मार्ट बोर्ड चलाते हुए, और ये पहाड़ में सेट है, माउंट एवरेस्ट में सेट है, पत्थर में सेट है, लेकिन कोशिश हर चीज़ में हम किए थे लेकिन कोशिश अधूरा अधूरा ही किए थे। लेकिन घूमते 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 जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त बहुत समय लग गया था, बहुत ज़्यादा समय। तो देखिए ये अंदर में बरगद वृक्ष लगा हुआ है, उसके बाद ये जो देख रहे हैं एक गैलन पे पूरा बर्तन खड़ा है। तो ये जो देख रहे हैं शीशा, शीशा के अंदर में मूर्तियाँ प्रतिमा खड़ा हुआ, उसके बाद ये चिड़ियाँ हैं, उसके बाद ये पिक लिए थे, उसके बाद यहाँ पर पालकी पर MK माधव बैठा था, उसके बाद यहाँ पर नाप तोल हो रहा था MK माधव का कितना KG है, उसके बाद ये बहुत बड़ा मतलब कि रूम था, बहुत बड़ा रूम था। और उसके बाद ये माइक्रोस्कोप से देखते हुए इससे सुशांत कुमार राजपूत भी देखे थे। तो ये रहा बिहार के स्मारक के बारे में, देखिए यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड लगा हुआ है, उसके बाद बिहार के सारे ऐसे बिहार में जो भी मतलब जहाँ पर भी ये जो है ना, ये जो देख रहे हैं मूर्ति शीशा में पैक, तो बहुत सारे मतलब अंडरग्राउंड से निकाला गया है। आप तो जानते ही होंगे मतलब कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, मतलब जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल जो है ना राखीगढ़ी है, जिसको घग्घर नदी बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हरियाणा का जो है ना बिहार जिला में स्थित है, इसकी खोज जो है ना 1963 ईस्वी में सूरज भान मतलब कि सूरज भान ने की थी। तो इसका उत्पत्ति मतलब कि 1963 में खोज किया था। तो ये जो हम देख रहे हैं और बहुत अच्छा मतलब कि नज़ारा और एकदम सीन जो लग रहा है नहीं कुछ है अलग। तो आप सब जाइए, हर हमेशा कहते हैं आप सब जाइए घूमिए, और बहुत सारे ऐसे जगह हैं वहाँ पर जाइए घूमिए, लेकिन एक बार बिहार म्यूजियम आइए। बहुत ऐसे चीज़ें हैं पूर्वजों की मतलब रखा हुआ धरा हुआ है सामान, है बहुत अच्छा यादें दिलाएगी, तो इतिहास की पुराना मतलब कि सामान रखा हुआ है। तो देखिएगा आज यहाँ पर बिहार के बारे में, देखिए किस तरह हम चला रहे हैं लेकिन हमको नहीं आता है, सिर्फ ऐसे करते हैं, जो ऊपर में आते हैं वो उसके बारे में हम बताने का कोशिश करते हैं। तो MK माधव को बताते हैं ऐसे करो, ये है वहाँ पर, ये है, तो उसको बताते थे। उसके बाद ये आगे चलिए, उसके बाद यहाँ पर नक्शा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप भी, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है किसके बारे में क्या है, क्या लिखा हुआ। ये जो है सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के मतलब कि अंग्रेज के दौरान ही खोजा गया था, मतलब कि पटरी बिछावन के ही दौरान मतलब कि देखा गया, मतलब कि ऐसा ही कुछ बात था। तो बहुत सब कुछ पढ़ा दिए हैं, उसके बाद तो अंडरग्राउंड से ही निकाला गया था। तो ये सब रहा मोहनजोदड़ो हड़प्पा मतलब गावा रीवाला मतलब कि धोलावीरा राखीगढ़ी
काली बंगन ये सब मतलब जानते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। ये सब मतलब कि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुजाकार था, इसके बारे में अच्छी तरीक़ा से हम बताए भी थे, तो पढ़ाए भी हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस तरह एकदम बहुत छोटे छोटे शीशे में छोटे छोटे सामान यहाँ पर सोना चांदी मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, प्रतीक हैं यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये पूर्वजों इतिहासों की ये जो एकदम देख रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं ये स्पर्श कर रहे हैं हमको दिल तक छू जाता था। ये हम बहुत मतलब सोचते थे कि नहीं बहुत अच्छे जगह आए हैं घूमने आए हैं, इसके लिए टाइम देना भी ज़रूरी है, टाइम व्यर्थ नहीं और सीख मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पर देखिए ये सीन जो है नक्शा जो है ये सब है, आप सबको बहुत अच्छा लगता होगा और बहुत मज़ा भी आता होगा देखिए। और उसके बाद यहाँ पर ये रहा, उसके बाद आप कभी भी जाते हैं पटना तो एक बार ज़रूर बिहार म्यूजियम घूमिए। तो ये टूटा फूटा अंडरग्राउंड से निकाला गया है ये मूर्तियाँ प्रतिमा, तो देखिए किस तरह एंगल पे सेट करके रखा है, सुरक्षित रहे सब दिन रहे तो इस तरह रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए गार्डिंग घूम रहा है, गार्डिंग से पूछ सकते हैं जानकारी ले सकते हैं, वो एक एक चीज़ उसके बारे में बताएंगे। तो अच्छी तरीका से लेकिन सुरक्षित मतलब इसलिए गार्डिंग हर एक रूम नंबर में रहता है गार्डिंग, क्योंकि सुरक्षित रहे। देखिए ये अंदर की ओर जा रहे हैं और उसके बाद ये एक साइड में ये जो देख रहे हैं शीशा हुआ, ये नहीं कि इधर जाने वाला है पता लगे मतलब कि जाने वाला रास्ता है नहीं टकरा जाइएगा, ऐसा शीशा लगा हुआ कांच का। तो देखिए उधर से बहुत सारे लोग आते हैं घूमते हैं, देखिए इस तरह सीन लेते हुए आगे से पीछे से। उसके बाद एम के माधव आएगा, देखिए तो देखिए ये जो यहाँ पर इस तरह का सीन है, देखिए घुमा के लेते हैं किस तरह टाइल्स बिछाया हुआ एकदम चक चक करता था। देखिए आगे तो बढ़ते हुए एम के माधव तो किस तरह लगता है और बताइए और लाइक कीजिए वीडियो को। तो दिखाएंगे आपको एक दूसरे को दिखाना है तो ये वीडियो एक बार जरूर शेयर कीजिए तो ताकि वो भी देख सके घर बैठे। ये तो यहाँ पर एक बर्तन वहाँ जो ग्राउंड में देख रहे हैं अंदर में ये शीशा है, ठीक है इधर से हम सीन ले रहे हैं। तो उसके बाद वो जो देख रहे हैं एक बर्तन पर रखा हुआ पूरा बर्तन, तो बहुत सारे बर्तन हैं, बहुत विचित्र सीन है। तो गाइस ये देखते हैं और बहुत सारे दरवाजा लगा हुआ है, बहुत सारे चीज़ हैं इसमें क्योंकि मतलब लॉकडाउन के लगभग खुलने के बाद ही गए थे, तुरंत ही बाद बिहार पुलिस का जैसे मतलब कि निकला दौर वैसे 22 तारीख को गए थे, फरवरी नहीं अप्रैल में ही गए थे। तो इस ये जो हैं ये बहुत सारे इसमें पैसा मनी रखा हुआ है, इसमें पूर्वजों की इतिहास सब का बहुत सारे ऐसे मतलब कि मनी हुआ है ग्राउंड में। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये देखिए मतलब कि गुप्त साम्राज्य के सिक्के किस तरह का सिक्के हैं, ये सब मतलब प्रतीक हैं उसका चिन्ह है। तो इस तरह सोना छोटे छोटे बड़े बड़े चांदी तांबा सब तरह का यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय सब का बारे में, ये ऑटोमेटिक इसमें उगता है और उसके स्मार्ट बोर्ड की तरह काम करते हैं, दीवार में सिस्टम किस तरह का है क्या वो उधर लगा हुआ है प्रोजेक्टर पता नहीं। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए छोटे छोटे चीज अंदर से निकाला गया है, उसके बहुत सारे इतिहास का यहाँ पर चीज़ म्यूजियम में रखा गया, कोई भी चीज़ इतिहास का निकलता है यहाँ म्यूजियम में रखा जाता है। पहले कहा जाता था कि मतलब कि भगवान का भी शंकर भोलेनाथ का भी पूजा होता था, तो इस तरह मतलब कि उसमें लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एम के माधव एकदम घूमते हुए फैल जगह में मस्ती करते हुए, तो आप सबको अच्छा लगता होगा देख कर, बहुत अच्छा मतलब सीन है तो आप सबको अच्छा लगता होगा किस तरह मतलब कि हम बहुत नहीं बोलते हैं कि देख के हम बहुत खुश हो रहे थे, मतलब खुशी का आसवार थे यार हम बहुत अच्छे जगह आए स्वर्ग में आ गए हैं। जब घूमते थे बॉल मतलब बल्ब बढ़ता था अपने आप, इस तरह सिस्टम है जैसे बोले खट 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 आवाज़ पूरा मतलब लगेगा कि नहीं मतलब कुछ जा रहा है, जैसे हम मतलब कि सिस्टम है जैसे कि हम पैदल बोल रहे हैं जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे बल्ब बोल रहा है मतलब कि बल्ब बढ़ रहा है, उधर अंधेरा है उसके बाद उधर जाएंगे तो पूरा बढ़ जाएगा। देखिएगा देखिए उधर बढ़ रहा है
मतलब कि बढ़ते जाएगा बल्ब, ऐसा सिस्टम है यहाँ का। तो बहुत